हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 15। स्टूडेंट्स, हमें इस रेडिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है एंड देन वैल्यू बतानी है। तो देखिए, हम इस वाली प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 को सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो देखिए, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 7 को मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस 3 माइनस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। एंड मैं इसको लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर एंड 3 को लिख सकता हूँ यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर माइनस इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 2 एंड यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो देखिए, अगर मैं 2 को पुट करता हूँ ए एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 को पुट करता हूँ बी, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 की जगह क्या आएगा, इस 2 की जगह आएगा ए, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 की जगह आएगा बी, तो बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स इस 2 की जगह क्या आएगा ए एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 की जगह क्या आएगा बी। तो हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास 2, तो 2 माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो हमने जब 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 को सॉल्व किया तो हमारे पास आ रहा है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो देखिए, मैं 9 को लिख सकता हूँ यहाँ पर 5 प्लस 4 माइनस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 5 को लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर प्लस 4 को लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2 लिख सकता हूँ मैं 4 को, इस 4 को मैंने लिख दिया 2 टाइम्स 2 एंड यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 5। क्लियर है? तो अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 को ए पुट कर दूँ एंड 2 को पुट कर दूँ बी, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एस की जगह यहाँ पर आएगा ए एंड यहाँ पर आएगा बी, यहाँ पर आएगा ए एंड यहाँ पर आएगा बी, तो हमारे पास क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी एंड ये बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए की जगह क्या पुट करूंगा, ए की जगह पुट करूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड माइनस बी की जगह क्या पुट करूंगा, बी की जगह पुट करूंगा 2, तो यहाँ पर आएगा 2 होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2। तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 ब्रैकेट होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो यहाँ पर ये प्लस का 2 है एंड ये हमारे पास माइनस का 2 है, देखिए ये प्लस का 2 ये माइनस का 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड यहाँ पर आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 15। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी। तो देखिए, अगर ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 को मैं a बोल दूँ और स्क्वायर रूट ऑफ 3 को b, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड बी यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 15। क्लियर है? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो हमारे पास आएगा 5 प्लस 3 माइनस, आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के, तो यहाँ पर आएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 15 बाय यूजिंग दिस रूल, तो यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो देखिए, यहाँ पर ये माइनस का 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 15 है एंड ये प्लस का 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 15 है, तो हमारे पास यहाँ पर ये क्या है, ये 5 प्लस 3 तो ये कितना हो जाएगा 8, तो ये तो कैंसिल हो गया
माइनस से प्लस वाला कैंसिल हो गया, तो 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा।